सेगमेंट के डिस्टेंस के से फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इन द सेंस कि उसके बीच की लेंथ या उस लाइन की लेंथ कितनी हो, तो चीज हमने लास्ट लेक्चर में सीखी। इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। जब हम फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ने में फिफ्थ क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन को कह रहा है इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स टीचर्स एक पॉइंट ए बी सी एंड डी, यानी एक क्लास में चार बच्चे बैठे हैं ए बी सी डी पॉइंट पर। ये बन रहा है पॉइंट ये ए बी सी एंड डी, चार बच्चे बैठे हैं ठीक। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा चमेली क्लास के दो मॉनिटर हैं तो क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान रहे हैं। थोड़ी देर बाद चंपा ने ऑब्जर्व करा और उसने चमेली से पूछा कि डू यू थिंक डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि आपको लगता नहीं है कि ये ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर पोजिशन में है ठीक, कि जो ए बी सी डी है हमारे वो एक स्क्वायर पोजिशन में है। चमेली डिसाइड की, चमेली डिसाइड करते कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में हमने कहा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, उसने कहा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको ये बताना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है ठीक। अब हमें ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूफ करना है ठीक, ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूफ करना है वो डिस्टेंस प्रूफ करना है, तो हमारे पास सबके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो फिगर में हम देखते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट में उसने क्या कहा एक्स एक्सिस पर 6 एंड वाई एक्सिस पर 7, यानी बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पर 4, यानी सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9, 4, 4। एंड डी के कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, 1। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, इस स्क्वायर की बात करते हैं तो हम स्क्वायर के प्रॉपर्टीज देखें तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होना चाहिए, यानी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि AB equals to BC equals to CD equals to DA उसका होना चाहिए। बट चारों साइड तो क्या है रोम्बस की भी इक्वल होती है रोम्बस की, तो फिर स्क्वायर में भी चारों साइड चेक कर ली तो रोम्बस भी तो हो सकता ही है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों डायगोनल की भी लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इट मीन आपको AC और BD ये भी फाइंड करना पड़ेगा, AC और BD। अब मुझे ये बताओ कि जो स्क्वायर है इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते, तो स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस की ये डिफरेंट है कि रोम्बस और स्क्वायर की चारों साइड तो इक्वल होती है पर जो डायगोनल हैं वो स्क्वायर में इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस में इक्वल नहीं होते। इट मीन अगर मैं AC इक्वल टू BD भी प्रूव कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि AC भी क्या है स्क्वायर, कोई दिक्कत चलो। तो हम क्या करते हैं हमारे क्वेश्चन को, ये तो हमने क्वेश्चन में डेटा निकाले हैं हमें क्या क्या सॉल्व करना है ठीक। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना दिया है 3, 4, बी कितना दिया हुआ है 6, 7, सी कितना दिया हुआ है 9, 4 एंड डी 6, 1। अब आपको क्या निकालना है ए बी बी सी सी डी एंड डी चारों इक्वल होनी चाहिए, सबसे पहले ए बी निकाल दें। ए बी निकालने के लिए वही फॉर्मूला जैसे हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आपकी इच्छा है किसी को भी x1 y1 और x2 y2 कंसीडर कर सकते हो, ये लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये अंडर रूट x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 3 एंड इसका स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, y2 की वैल्यू 7 एंड y1 की वैल्यू 4 एंड इसका स्क्वायर। सॉल्व करो 6 - 3 6 - 3 3 and 3 का स्क्वायर 9, ये लो भाई 7 - 4 3 and 3 का स्क्वायर 9, ये भाई 9 9 + 9 कितना हो गया अंडर रूट 18। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बीसी क्यों, क्योंकि हमें बीसी भी फाइंड करना है।
b फाइंड करने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपकी चॉइस है, आप अब इसको x1 y1 कंसीडर कर दो इसको x2 y2 या फिर इसको x2 y2 ही ले लेते हैं, इसको मैं x1 y1 ये रेड वाले को एक जैसा कर देता हूं। आप इस फार्मूला पे वेट पुट करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 और x1 की वैल्यू 9 यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और y1 की वैल्यू 4 इट मींस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 में से 9 माइनस करें 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। इधर देखो 7 प्लस 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यानी इसकी भी क्या होगी 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, इसी के बाद हमें क्या फाइंड करना है सी डी। सी डी फाइंड करने के लिए बाकी से बड़ी बात के बाद x1 y1 उसको मान को x2 y2 मैं चाहता हूं मैं इसको भी x1 y1 मान लूं पर इसको मैं x2 y2 कंसीडर कर लेता हूं। क्यों भाई? क्योंकि वो x1 y1 में मानेगा। अपन ने पहले भी लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि ये x1 y1 x2 y2 मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो हम उसका स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, तो हमारे आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक, तो सी डी की एक्सीमेट कौन होगा आपका, क्या बोल रहा है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करो वैल्यू पुट, x2 हमने क्या माना 6 और x1 हमारा क्या है 9, 3 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस y2 कितना है हमारा 1 और y1 कितना है 4 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 करोगे तो माइनस 3 और माइनस 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 9। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का 9 यानी ये भी कितना आया रूट 18। वो दिक्कत अब हम बताते हैं डिस्टेंस DA, DA की वैल्यू कितनी है। अगर हमें DA निकालना है तो आप इससे वही बोल दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने देखा ये x1 y1 की जो चीज है तो हम रेड से लिख देते हैं कि ये x1 y1 और ये x2 y2। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 6 और x1 की वैल्यू 3 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू 4 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस की जगह प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी ये भी रूट 18। अब देखो चेक करो AB की वैल्यू कितनी आई आपके पास रूट 18, BC की वैल्यू कितनी आई रूट 18, CD की वैल्यू कितनी आई रूट 18 एंड DA की वैल्यू कितनी आई रूट 18। इट मींस चारों साइड पर इसकी क्या इक्वल है, यानी ये वाली जो कंडीशन थी हमारी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये तो हमने क्लियर कर दिया कि इसकी चारों साइड पर क्या है इक्वल है। बट हमने पहले बात करी क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि अगर चारों साइड इक्वल थे तो वो रोम्बस भी हो सकता है, तो रोम्बस ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा AC और BD की हमें फाइंड करने पड़ेंगे। AC और BD फाइंड करने के लिए AC और BD ना हो x2 y2 को मानने पड़ेंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है AC। ठीक भाई, AC निकालोगे तो वही आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। अब केवल आपकी, आप इसको x1 y1 मान लो इसको x2 y2 या फिर इसको x2 y2 मान लो इसको x1 y1, जो इसे कंप्लीटली और ठीक
ठीक, हम मानते हैं कि मैं सर इसको x2 y2 मान लूंगा और इसको x1 y1, क्लियर है? वेरी गुड, करो x2 का मान सर 9 और x1 का मान सर 3, यानी यहां पर 9 9 3 का स्क्वायर प्लस y2, अगर मैंने x2 9 माना है y2 क्या होगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 है, 0 का स्क्वायर 0, यानी क्या आंसर आया रूट 36, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 6। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या निकाल देना है, बी BD के लिए फील्ड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BD के लिए भी अगर आपकी इच्छा है आप इसको x1 y1 मानते हो, इसको x2 y2, ठीक, मैं इसको x2 y2 मानता हूं, इसको x1 y1, तो 6 माइनस 6 हो गया, x2 तो कितना हो गया 6 और x1 भी कितना हो गया 6, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और y2 इसको मानो 1 माइनस 7 AB equals to BC equals to CD equals to DA and both the diagonals AC equals to BD. So we can, so we observe AB CD is the square. लिख सकते हैं? It means जब भी आपको कोई quadrilateral प्रूव करने को आए तो आपको हमेशा 6 डिस्टेंस निकालनी है, 6 डिस्टेंस कौन कौन सी, सबसे पहले तो चारों साइड ए बी सी डी सी डी डी ए एंड बोथ द डायगोनल्स, क्यों, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 में हमने क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, 9 में हमने क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो हमारे यहाँ जरूरी, जब भी आपसे कोई क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने को बोलेगा तो आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए और उस अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपके जब डिस्टेंस तक आप ऑब्जर्व करोगे तब आपके कॉन्फिगरेशन में पहुंचोगे, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो पैरेललोग्राम है। ठीक, थैंक यू, नंबर 6 से ट्राई करना, क्लियर है, बात समझ गए? ठीक, अब हम इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा ही गया है हमेशा, तो हम एक बार उसको देखते हैं, बात समझ गए? ओके, कोऑर्डिनेट क्या देंगे 2 कोमा -5, 2 कोमा
minus 5, or minus 2, 9, BJ minus 2, 9. उसने कहा इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट ऐसा है, तो हमने मान लिया ये पॉइंट है पॉइंट P, ऐसा है जो A और B दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। सो इक्विडिस्टेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी, AB इक्वल्स टू PB। पर उसने एक और कंडीशन दी कि जो ये P पॉइंट है, जो पॉइंट R आ रही है, इक्विडिस्टेंस जो पॉइंट है वो एक एक्स एक्सिस पर है, यानी ये पॉइंट जो है वो काई पर है एक्स एक्सिस पर। उसने कंडीशन दे दी तो इसके कोऑर्डिनेट हमें मानने पड़ेंगे, ठीक। अगर वो कंडीशन नहीं देता तो हम इसके कोऑर्डिनेट मानते एक्स कोमा वाई। कब, जब वो कोई कंडीशन नहीं देता, ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 10 में हेल्प करेगी, ठीक। अगर वो कोई कंडीशन नहीं देता तो कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, एक्स कोमा वाई। पर उसने आपको कंडीशन दी, और क्या कंडीशन थी, कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, और हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ठीक है, एक्स कोमा जीरो। क्लियर है ये बात, कि अगर वो कोई कंडीशन नहीं देता है तो हमें पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेने हैं, एक्स कोमा वाई। बट अगर वो कंडीशन दे दे तो हमारे कोऑर्डिनेट इस तरीके से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई, कंप्लीट, ठीक। चलो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू एक्स कोमा जीरो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज टू कोमा माइनस फाइव एंड बी इक्वल टू माइनस टू कोमा नाइन। They are equidistant with P. From P. अगर equidistant है तो क्या हो गया? AP equals to PB. वो निकल इसमें। अब हमें AP की भी distance निकालनी है, PB की भी distance निकालनी है। तो distance कैसे निकालते हैं? भाई आपका distance कौन बोला? x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square equals to pb के लिए लगा दो, x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square। वो लिखता है इसमें। अब आपकी बात आती है कि आप किसको x1 y1 को किसको x2 y2 मानो, choice is yours। मैं चाहता हूं कि मैं इसको x1 y1 मानू और इस वाले को मैं x2 y2 मानू, ताकि मैं ए की डिस्टेंस निकाल सकूं, ठीक। ए में x2 y2 की पुट करते हैं, x2 की वैल्यू तो है और x1 की वैल्यू कितनी आपके पास, 2, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0 एंड y1 की वैल्यू माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। तो लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 25। कोई दिक्कत इसमें, राइट। अब यही चीज हमें क्या करना है, पीवी पर रिपीट करना है। पीवी पर हम देखते हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी x2 y2 माना हुआ है, तो मैंने इसको x2 y2 मान लेता हूं और इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं। तो मैं पीवी की डिस्टेंस निकालूंगा, x2 की वैल्यू कितनी है x और x1 की वैल्यू माइनस, यानी x2 की वैल्यू है माइनस का माइनस और एक्स की वैल्यू माइनस टू, यानी ये माइनस टू का स्क्वायर, ये प्लस की जगह प्लस। वाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ये वाई टू की वैल्यू जीरो माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, नाइन, जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 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 प्लस हो गया, यानी एक्स प्लस टू का तो स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, जीरो माइनस नाइन माइनस नाइन एंड माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस का 81। यहां तक तो फॉर्मूला साफ कर लोगे, क्योंकि अब तक हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ये रूट हटाना है। रूट कैसे हटाते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। बेटा आपको जब 8 और 9 आपको पढ़ाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तब आपको बताया था रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है,
करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये रूट फोर का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, तो रूट फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट फोर का स्क्वायर कितना हुआ आपका, रूट फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। कोई दिक्कत, एक सीधा लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, रूट फोर का स्क्वायर कितना था आपके, टू, मुझे दोनों के इक्वल प्रूव करना है कि रूट फोर का स्क्वायर क्या होगा, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर है नहीं बहुत सारे दोनों साइड क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया रूट फोर का भी स्क्वायर और ये हो गया टू का भी स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, तो रूट फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर। इंटरमीन केस काउंटिंग है, अगर रूट की वैल्यू को स्क्वायर कर लूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट अंडर रूट हटा सकता हूं, कर सकता हूं कि अगर मैं रूट की वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा अंडर रूट हट जाएगा, मुझे अंडर रूट हटाने की जरूरत है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करते ही आपका क्या होगा अगले स्टेप में आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, चलो हटा लेते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस टू का स्क्वायर प्लस 81। अब ये दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी को ओपन कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, इधर भी सॉल्व करो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ तक इसमें प्रैक्टिकल निकालो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल के आजू बाजू में है और दोनों का साइन सेम है, ये चीज मैंने आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में पिछली बार बताई कि अगर वैल्यू सेम है सेम साइन है और इक्वल टू के आजू बाजू में है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, इससे क्या होगा बेटा आपका टाइम लगेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरा ट्रांसपोज करना पड़ेगा फिर उसको कट करना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है। अब इसे फोर एक्स उधर देखते हैं 25 प्लस 4 29 81 प्लस 4 85 इधर आएगा तो माइनस का 85 ये 4x प्लस 4x इसको जोड़ देते हैं 85 प्लस 29 माइनस करो 56 एक्सपीरियंस में क्या हो माइनस 56 का फोर 16 इसको रिड्यूस कर दो
तो एक बार ट्राई करना, ठीक है? चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नंबर वन। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट ऐसा ही है, समझ आ जाएगा वैसे, और फिर भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। दो कोऑर्डिनेट दिए हैं P एंड Q, ठीक भाई? ये बात है, ओरिजिन से क्या दिया हुआ है P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट में क्या दिया हुआ है 2, -3 एंड Q क्या दिया हुआ है उसमें 10, y। और क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जिस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस 10 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस जो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करते थे वो उसने पहले आपको दे दी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट है। इतनी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू उसने क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट, ठीक। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 8, यानी हमें ये चीज निकालनी है। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो कि P इक्वल होगा 10 यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ P 2, -3 एंड Q 10, y एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन 10 यूनिट, यही क्या हुआ, यानी पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, टेन के x1 - x2 y2 जो इज हियर। चलो मैंने x2 माना 10, इट मीन 10 - x1 की वैल्यू 2, 10 - 2 का स्क्वायर, y2 कितना है y, और y1 कितना है -3 का स्क्वायर = 10। और अभी तक लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर हमें अंडर रूट बताना है तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यस, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दी, यहां तो क्या हो जाएगा आपका 10 - 2 8 का स्क्वायर, y -+ का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करते क्या, यहाँ पर अंडर रूट कट गया, यहाँ पर अंडर रूट नहीं था, तो हमने क्या कर दिया 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये बन गया आपका 1 + b का होल स्क्वायर। तो आपने 8 में आइडेंटिटी पढ़ी, क्या हो गया 8 + b का स्क्वायर, यस, 8² + 2ab + b² और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 10 × 100, सॉल्व कर लेते हैं y² + 6y 64 + 9 73 और 73 उधर जाएगा आपको -73, सॉल्व करो y² + 6y 100 × 73 माइनस करोगे तो 27, ये लिया हो y² + 6y - 27 = 0। कौन सी इक्वेशन लिख रही है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालना सीखे आपने, और छोड़ो क्वाड्रेटिक निकालो, इसको एंट्री की इक्वेशन लिखी थी आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अभी क्या करना है 27 को y से मल्टीप्लाई करना है, 27 को y से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो, 27 बनता 27, और दो फैक्टर आपको ऐसे देखने, इसको माइनस करने पर आपको क्या मिले 6, 27 के 6 की फेवर में आता है 9 * 27, और 9 में 3 माइनस करते हो कितना मिलता है 6, यानी इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 एंड -3, यानी y² +
plus 9y minus 3y minus 27 equals to 0. कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालोगे तो y plus 9, इसमें से कॉमन निकालोगे तो y plus 9 equals to 0. इन दोनों में से निकालोगे तो y plus 9 and y minus 3 equals to 0. ठीक, दोनों का अगर 0 रख देते हैं, दोनों से y फिर निकलेगी. y plus 9 equals to 0 and y minus 3 equals to 0 and y equals to minus 9 and y equals to 3. ये दोनों वैल्यू आपके आ जाएंगे. क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू भी कंप्लीट हो जाएगी. कोई दिक्कत है तब तक में? क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने करके देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने हमारे सारे क्वेश्चन को क्या करें, कंप्लीटली इसको सॉल्व करें. सेम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक बार ट्राई करना, इजी होगा.